नमस्कार दोस्तों, मेरी प्राकृतिक रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेड फ्रूट का फ्राई बनाना बताऊंगी। स्नैक्स है ये, इसकी सब्जी भी बनती है और इसका चिप्स भी बनता है, इसका फ्राई भी बनता है, इसकी कई वैरायटी बनती हैं। और ये कटहल का दूसरा रूप है, पर कटहल नहीं है ये, और इसका स्वाद रोटी की तरह होता है, इसलिए इसको ब्रेड फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो चलिए, हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको छीलेंगे। पहले इधर से आप इसका डंठल काट लीजिए। जैसे कटहल में दूध गिरता है, वैसे इसमें भी दूध गिरता है। जब एकदम फ्रेश होता है ये, तो इसका डंठल जब काटते हैं तो इसमें से भी दूध निकलता है। अब इसको जो इसका छिलका है, इसको हम पूरा उतार लेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने छिलका उतार लिया है। छिलका उतारना बहुत आसान है, इसका बहुत हार्ड नहीं है, ये कटहल की तरह हार्ड नहीं होता है। अब इसको बीच से इस तरीके से काट लेंगे, और बीच में जो ये डंठल है इसकी, जैसे कटहल में डंठल होती है वैसे इसके अंदर भी डंठल है, इसको काट के निकाल देंगे। लेकिन अब ऐसे बीच में अगर आपसे तुरंत नहीं निकाली जाए काट के, इसको हम इस तरीके से काटेंगे। जैसे आलू की हम भुजिया बनाते हैं, उस तरीके से इसको काटेंगे, पतला पतला, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं। आप पीसेस देख सकते हैं, इस तरीके से होगा। और ये जो बीच का पोर्शन है, इसको हम काट के निकाल देंगे। और इस तरीके से पीसेस आप काटते जाइए और इसको पानी में डालते जाइए। अगर आप इसको पानी में नहीं डालेंगे ना, तो पीसेस क्या होगा, काले पड़ जाएंगे, इसलिए काटते ही तुरंत इसको पानी में डाल दीजिए। तो चलिए, हम सारा इसी तरह से काट लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने इसको काट के पानी में रख लिया था, और रखने के बाद मैंने इसको दो पानी से धो लिया। धोने के बाद ये आपके सामने रखा है मैंने, ये बिल्कुल साफ पानी इसीलिए दिख रहा है। तो इसको आपको दो तीन पानी से अच्छे से धो लेना है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए एक बाउल लेंगे। दो टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये तीखी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। और एक टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून मैंने सफ़ेद नमक लिया है, और आधा ही काला नमक लिया है, और एक बड़ा चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है। इसको इसमें डाल के पूरा पेस्ट बना लेंगे। जितना मसाला है, मसाले का पूरा पेस्ट बना तैयार कर लेंगे। अब ये पूरा पेस्ट तैयार हो गया है। अब जो हमने पीसेस कट करके इसके अंदर डाले हैं पानी के अंदर, उसको पानी से निकाल लेंगे अच्छे से, पानी उसका निचोड़ लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। सारे पीसेस इसके अंदर हम डाल लेंगे। अब इन पीसेस को हम मसाले में लपेट लेंगे। मसाले की कोटिंग सभी पीसेस के ऊपर हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं, सभी पीसेस के ऊपर मसाले की कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको हटाएंगे, और हम लेंगे एक बाउल में सूजी। आप इसके अंदर चावल का आटा भी मिला सकते हैं, पर मैं इसमें चावल का आटा नहीं मिला रही हूँ, ये प्योर सूजी है। अब एक एक पीस को उठाएंगे और इस सूजी में इस तरीके से लपेट लेंगे। सूजी चारों तरफ से इसके पीस के अंदर लग जानी चाहिए। और इस तरीके से इसको एक प्लेट में रख लेंगे। सारे पीसेस को हम इस तरीके से सूजी में लपेट लेंगे, इस तरीके से प्लेट में रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं, सभी पीसेस में मैंने सूजी लपेट के रख लिया है। अब हम इसको फ्राई करने चलेंगे। इसको फ्राई करेंगे हम, सेलो फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने तवा चढ़ा लिया है। आप चौड़े पैन का पैन भी चढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने तेल डाल दिया है, आप जिसमें तेल चाहे कोई भी डाल दीजिए। सरसों का तेल खाते हैं, सरसों का डाल दीजिए, मैंने सरसों का डाला है। आप रिफाइंड खाते हैं, रिफाइंड डाल दीजिए। जो भी तेल आप खाते हैं, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। चारों तरफ तेल को फैलाएंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम पीसेस डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल को ऐसे फैलाते हुए इसमें पीसेस डाल देंगे। आंच को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, एकदम तेज नहीं रखेंगे, नहीं तो पकेगा नहीं, नीचे जल जाएगा। अब थोड़ा सा तेल हम ऊपर भी डालेंगे इसके, इस तरीके से चम्मच से हम ऊपर ऊपर भी तेल इसके डाल देंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम एक साइड इसको सेकेंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अब हम इसको चिमटे की मदद से इस तरीके से उलट देंगे, हर पीस सभी पीसेस को इस तरीके से उलट देंगे। सभी पीसेस को मैंने पलट दिया है। अब इसी तरीके से उलट पलट के इसको पकने तक सेक लेंगे। आप देख सकते हैं, मैं जितने स्लाइस डाले थे सब पक चुके हैं। आप एक बार जो इस चम्मच से इसको उलट पलट रहे हैं, उससे एक बार ऐसे दबा के चेक करिएगा कि ये इसके अंदर घुस रहा है कि नहीं।
मतलब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बस ये पक गया है। अब ये पक गया है तो इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं अंदर से ये बहुत जूसी होगा और बाहर से ये क्योंकि सूजी लगी है और मसाले हैं ये बहुत क्रिस्पी है। तो इसी तरीके से आप इसको पकाइए। अब मैं इसको निकालती हूँ बाहर, सभी पीसेस को मैं एक प्लेट में निकालूंगी, बाकी पीसेस भी मैं इसी तरीके से पकाऊंगी। आप देख सकते हैं जो ब्रेड फ्रूट्स के स्लाइस थे जो मैं फ्राई कर रही थी वो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। इसको सेलो फ्राई किया है, डीप फ्राई भी नहीं किया है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बनाना भी बहुत आसान है। आप इसको चाय के साथ एंजॉय करिए या टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं आप स्नैक्स के रूप में। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।